चंदन कुमार बिहार से। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में बस 384 किलोमीटर ही दांडी मार्च में चले थे। हम लोग 1100 किलोमीटर की पद यात्रा बहुत ही मुश्किलों से चल रहे हैं। जब कोई आंदोलन को लिखा जाएगा तो हमारे आंदोलन को स्वर्ण तालिकाओं में लिखा जाएगा और हम लोग इस बात को गौरव करेंगे कि हम अपने देश के लिए पद यात्रा 1100 किलोमीटर अभी ऐसा भूत और भविष्य में कभी हुआ नहीं था। जब हम लोग कोई आंदोलन को याद करेगा तो हम लोग अपने आप में गौरव करेंगे और देश भी गौरव करेगा कि सेना हमारी देश की रक्षा करने के लिए 1100 किलोमीटर दूरी तय करके और अपने हक अधिकार और देश की सेवा और जुनून लिए हुए एक पैदल मार्च किए। गांधी जी ने केवल 384 किलोमीटर में ही ब्रिटिश सरकार से अपना मांग पूरा करवा लिया था, लेकिन हम लोग अपने सरकार से, अपने ही देश की सरकार हमारी 35 दिनों में 1100 किलोमीटर दूरी तय करने वाले अब हम हैं, फिर भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं, जिससे आप लोग भी अंदाजा लगा सकते हैं। ये किसान के बेटा है, जवान बनना चाहता है और देश की सेवा करना चाहता है और देश का सेवा एक बहुत बड़ा योगदान होता है कि हम मोदी जी रहेंगे या ना रहेंगे, देश रहना चाहिए। मोदी जी आज हैं, कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारा देश रहना चाहिए। हमारा देश का भविष्य कोई है तो हमारा सेना है। तो अमित शाह से और मोदी जी से एक नम्र निवेदन है। नम्र निवेदन करते करते हम लोग थक गए हैं, कब तक हम लोग निवेदन करते रहेंगे? अगर हमारी बातें नहीं सुनी जाएगी तो 2024 तक हम लोग पैदल मार्च करते करते हम लोग उनकी जो चुनावी मुद्दा है उनमें भी हम लोग भाग लेंगे और हम लोग इस बात पर वोट दिए थे 2014 में कि हमारे साथ जो सबके साथ और सबके विकास के वादा किया गया था और हमारे साथ आज छल हो रहा है। अब सबने तो साथ दे दिया लेकिन आप विकास